कपड़े तो पहन ले, टी शर्ट पहन ले। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू राज तिवारी ब्लॉग। तो गाइस देख लो कितने उत्सुक होते हैं हम आपसे मिलने के लिए हमारे ब्लॉग, ताकि फटाफट बन जाए, आप तक पहुंच जाए। अब कितने लोगों के पास हमारे ब्लॉग जा रहे हैं ये हमें नहीं पता। क्या हो गया? आगे करी उबले हुए चने खाए, मैं तो अभी तो सीटी आ रही है। इसको चने की पड़ी है, यहाँ पे बातें हो रही ब्लॉग की। तो गाइज हमको बहुत अच्छा लगता है जब हम ब्लॉग बनाते हैं, आप हमको लगता है कि यार कुछ लोग तो होंगे ना हमें भी देख रहे, तो हमें अच्छा लगता है कि हम उनके लिए ब्लॉग बना रहे। कई तो ऐसे भी होंगे जो पक्का हमारे ब्लॉग देखते होंगे, चाहे दो हो, तीन हो, पांच हो, पक्का गाइस। उनको भी बता था कि अक्षर क्या कर रहा है, झड़ा ये गलत है, ये नॉन है, ये सही है। तो गाइज आज अक्षत की एक नई डिमांड आ चुकी है, वो है मॉस्किटो किलर किलर मशीन। ये देखो, ये लेना है, ये नहीं लेना। अब मेरे पीछे पड़ा कि मेरे को ये लेना है। ये बाहर का मौसम कुछ खास चेंज नहीं है, धूप पड़ रही है, अभी कोई बरसाती मौसम नहीं आया, कनक वगैरह पक रही है, कट जाएगी थोड़े दिनों में। फिलहाल यहाँ पे सूख रहे हमारे कपड़े, थोड़े से सूख के अंदर रख दिए, थोड़े से सूख रहे, बस ये भी हो जाएंगे थोड़ी देर में। और आज शाम को जाना है मार्केट। जब बाहर से वैसे बोल के आता हूँ ना कि आज मार्केट जाएंगे कुछ लेंगे, तो उसी टाइम जब मैं अंदर आता हूँ ना, आते पता क्या सुनने को मिलता है? क्या लेना है? वही अब माँ और बेटी दोनों पूछ गए, कहाँ जा रहे हैं हम, क्या लेना आज? इनको खुद को नहीं पता होता। भैया दूध लेना है, अगर दही नहीं होगा दही लेना, प्याज का तो प्याज ले रहे। आकृति की डिमांड आज नोट कर लेते, आकृति अच्छी बच्ची है। बोलो बेटा, आपको कौन सी नहीं है? तो ठीक है फिर ऐसे करते हैं गाइस, आज शाम को बच्चों को थोड़ा सिटी ले जाते हैं घुमाने के लिए, साथ में पूजा और आकृति ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह भी देख लेंगे, और भी चीजें देख लेंगे। मुझे मॉस्किटो किलर पसंद आ रहा है। देख लिया आपने, खुशी का कोई ठिकाना। अभी अभी एक खुशी की खबर आ चुकी है, वो ये है कि पूजा का ऑनलाइन जो सूट ऑर्डर हुआ था ना वो आ गया है। तो गाइस आ चुका है सामान, और बच्चों को तो इतना क्रेज है ना। ओ तो गाइस दो मिनट में निकल चुकी है पूजा की ड्रेस। गाइस ये सूट मैंने इसलिए मंगवाया है क्योंकि पहले मेरे पास सूट है नहीं, सब जीन्स और टॉप है। मैंने इसलिए मंगवाया है क्योंकि बताओ क्या, तो जब हम कभी मंदिर गुरुद्वारे वगैरह जाए ना, तो कुछ ट्रेडिशन सा पहनने का मन करता है, तो मैंने इसलिए ये सूट वगैरह मंगवाए हैं। वरना बच्चों के होने के बाद मैं जीन्स की तरफ ज़्यादा गई, इसलिए क्योंकि फिर बच्चों को कैरी करना हो या फिर अपना अपना संभालो या बच्चों को कैरी करो, तो मैंने बच्चों को कैरी पहला ऑप्शन चुना और अपने आप को बाद में रखा। तो और मोटरसाइकिल पे बैठने में भी ना, जैसे कि ऐसे जैसे लड़के बैठते हैं ऐसे पूजा बैठ जाती, बच्चों को पकड़ लेती थी। हाँ, तो पूजा ने काफी ज्यादा सूट छोड़े हैं बच्चों के, और इसलिए आजकल ये सूट ले रही है फटाफट। ये ना घुमा फिरा के मेरे को सुनाया जा रहा है। तो भाई अभी मेरा YouTube इतना चला नहीं है, जिस दिन चल गया ना उसी दिन तुमको गाड़ी दे दूंगा, टेंशन नहीं, ठीक है? तो गाइज अभी फिलहाल निकल, गाइज 5-7 किलोमीटर के लिए पूजा ने रख लिया आधार कार्ड, वो कह रही मैं बस में जाऊंगी आकृति के साथ, हमारी टिकट नहीं लगेगी। पंजाब में ना, पंजाब में लड़कियों की औरतों की जो भी है टिकट माफ है सरकारी बसों में। आधार कार्ड वाली बातें इसलिए हो रही है क्योंकि आपने पहली बात, अगर आपने ब्लॉग देखा होगा तो आपको याद होगा कि आधार कार्ड ये भूल गए थे, तो उस दिन से मैंने अपना आधार कार्ड अपने बैग में रखा है, इसलिए ये बोल रहे हैं कि इनको फ्री में मिल रहा है। चलो चलो अपने मॉल को, और गाइस अभी मेरा एक चीज लेनी है मॉल से, तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि क्या चीजें, मतलब घर आके भी आप आपको दिखाते ना कि क्या चीज ली है हमने, क्या नहीं ली है। तो गाइस आप भी हमारे साथ चलो, हम भी चलें। अभी हम पहुंच चुके हैं मॉल में, ये रहा पीछे मेरे मॉल, पूजा खड़ी हुई है, और बस फटाफट चलते हैं और जाके थोड़ा बहुत जो सामान वगैरह लेना है घर का लेके तो निकलते हैं। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं मॉल के अंदर, तो कुछ इस तरह से देखिए आप, इतना अच्छा मॉल है। और अक्षय को देख लो, अक्षय क्या ले रहे तू? तो गाइज आज थोड़ा सा यहाँ पे भीड़ कम है,
कई बार तो बहुत ज्यादा भीड़ होती है। देख लो क्या लेना है। तो गाइस अभी इतनी शॉपिंग हमने कर ली है, अभी और सामान भी ले रहे हैं थोड़ा बहुत। अभी देखो कितना टाइम लगता है इनको। आप लोग कहाँ थे यार? ओह वेरी गुड, चलो ठीक है। कलर भी ले लिए? ठीक है चलो। तो गाइस अक्षत ना अपने लिए ढूंढ रहा है, वो इसने लेना था एक मॉस्किटो वाला, वो नहीं मिला अक्षत मॉस्किटो वाला। गाइस यहाँ पे बच्चे खेलते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं। फिर देख लो अब कहते हो और मस्ती हो जाएगी शुरू। तो गाइस आकृति लेने आई थी अपने लिए ये। गाइस अभी हमने बिल कटाना है और भीड़ देख लो कितनी ज़्यादा है यहाँ। हाँ हाँ फाइनली निकालते हैं अब अपना मोटरसाइकिल और तू गिर जाएगा। आ जा। तो गाइस मोटरसाइकिल निकाल रहे हैं और जाएंगे अभी घर। अच्छा तू गिर जाएगा, ऐसे भागना गिर जाएगा बाबू। तो एक इसको संभालना बड़ा मुश्किल है यार। आ जा आ जा। तो गाइस आकृति ने संभाल लिया है अपना सारा सामान। दिखा दो बाबू, कपड़े तो पहन ले, टी शर्ट पहन ले। ऐसा मैंने का वीडियो अच्छा। तो गाइस ये मैंने देखी है डॉटीज, अब अपना मोबाइल लेजर, गाइस मेरी प्यारी सी मैं मतलब की बैटरी नहीं पाऊ। तो चेक करते हैं, आ जाओ आ जाओ। हेलो आ जाओ इधर आओ, चेक दिस इज यम्मी है। हां गाइस मैंने इतने सारे सामान रखे हैं, वेरी गुड। रबर, ठीक है। तो गाइस जो आकृति का पुराना ज्योमेट्री बॉक्स है ना, उसको पूजा ने कब्जा कर लिया है और इसमें अपना सारा सामान शिफ्ट हो रहा है इसका। तो गाइस जैसे ही हम घर पे पहुंचे हैं, साथ ही में सारा सामान एक दूसरे का जो भी था ना, इन्होंने अपने अपना बांट लिया फटाफट की कौन सा किसका है कौन सा किसका है। और अक्षय देखो टी शर्ट भी नहीं पहन रहा है और फटाफट खा रहा है। और फिर टी शर्ट तो पहन ले बाबू यार। तो गाइस जहाँ से हम सामान लेते हैं ना, वहाँ पे बाय वन गेट वन का ऑफर चलता रहता है, इसलिए हम वहाँ से ही सामान लेते जाके, और काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं और मतलब कम रेट पे मिल जाती हैं। अब क्यों देते हैं ये नहीं पता, कहीं पूछे पुराना सामान तो नहीं 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 गाइस ऐसा कुछ नहीं है, अच्छी चीज़ें मिलती हैं। और खाने पीने का भी सामान ले लिया, सब कुछ ले लिया, अभी भी घर पर पहुँच चुके हैं। और अभी मैंने करना है शुरू वर्कआउट, पहले वर्कआउट कर लेते हैं। चश्मे लगा के बिस्कुट बिस्कुट, क्या बात है यार। और गाइस यहाँ पर चल रहा है मेरा वर्कआउट, और आज हम जो भी कुछ खाने के लिए लेके आए ना, सब चीज़ें निकली मीठी। इस हद तीखी है ये। और पूजा लेकर आई एक पापड़, और ये हद तीखी, बाकी सब मीठी, ये तीखेपन की हद उतारेगी सारी। मैं एक बार ट्राई कर लूं, मेरा दो ही डाले आज होने वाले चिली पापड़ के चैलेंज। आकृति और तुम्हारे में होगा, चलो बहुत। तो गाइस ये बहुत ही ज्यादा तीखी वाला है, हम चीनी नहीं खाते। तो अब ये अक्षत को दो, अक्षत को एक्सरसाइज भी लग गई है। और पूछते पूजा से, आज पूजा ने डिनर में क्या बनाया, क्योंकि आपकी पूजा डिनर बनाने लग पड़ी थी। तो मैडम क्या बना रहे हो डिनर में? हेलो पापा, चने और साग। हेलो पापा, दिस इज गेम फ्री फायर। तो गाइस आज बन रहे हैं काले चने और चावल, वही खाएंगे। और मैं कर ले तो फटाफट वीडियो को एडिट वगैरह, ताकि आपको कल का वीडियो टाइम से मिल सके। और गाइस जब हम मार्केट जाकर आए ना, तो मतलब आते ही पूजा भी घर के कामों में लग गई, कुछ मैंने भी हेल्प कराई। तो ऐसे ही होता है, हमारे फैमिली ब्लॉग है, जो कुछ हम अपने घर में करते रहते हैं वही आपको दिखाते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको हमारे मतलब की वीडियो पसंद आते हैं, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए यार, आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डिनर वगैरह हमारा हो गया है, डिनर में जो बने थे ना सब्जी वगैरह, वही हर बार की तरह पूजा ने बहुत अच्छी बनाई थी। तो पूजा को तो चलो खाना वो अच्छा ही बनाती है, लेकिन फिलहाल आज के ब्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड। और बस आपसे यही कहना है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप ही अगर सपोर्ट करोगे तभी ये चैनल हमारे चलेंगे, और फिर हमको भी काम करने में ना मेहनत करने में और ज़्यादा अच्छा लगेगा। और आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग, प्यारे प्यारे ब्लॉग, ट्रैवलिंग ब्लॉग भी आएंगे। और फिलहाल आज के ब्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड, आपसे मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय बाय। और इनको देख लो फोन में इतने बिजी है, बाय नहीं करना है, बाय गाइस, बाय गाइस।